बीते दिन सीडीएस जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश से मौत हो गई थी। पूरे भारतवर्ष में उनकी मौत को लेकर शोक में डूबा हुआ है, लेकिन कुछ शरारती तत्व ऐसे भी हैं जो विपिन रावत की शहादत पर खुशी मना रहे हैं। उधमपुर में युवाओं ने एक सरकारी प्रोफेसर हैं जो पहले उधमपुर महिला कॉलेज में थे, वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस में जनरल विपिन रावत की मौत पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और इसी को लेकर इन युवाओं ने पुलिस स्टेशन उधमपुर में उक्त व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवाने पहुंचे हैं और कहा कि उसे नौकरी से निलंबित किया जाए। चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, चोरों के जय, भारत माता की जय, एंटी नेशनलिस्ट के खिलाफ। CDS विपिन रावत जी की जो मृत्यु हो गई है उसके बारे में एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। कोई जान निसार करके वुमेन कॉलेज में लेक्चरर था इंग्लिश में, तो उसने व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाया हुआ है और स्टेटस के साथ ही नीचे उसने बहुत ही अभद्र भाषा यूज़ की हुई है। और विपिन रावत जी के लिए उसने कहा है कि ये जो इन्होंने जो कश्मीर में पैलेट्स गन का यूज़ किया है और कश्मीरी मुस्लिम्स को जो टारगेट कर करके मारा है, तो ये उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है। तो हम इसी विषय पर आज यहाँ पे उधमपुर पुलिस स्टेशन में आए हैं। यहाँ पे हमने उसके खिलाफ एक FIR दी है और हम इनसे भी और LG महोदय से भी अपील कर रहे हैं कि उसको डिसमिस कर दिया जाए सर्विस।